शिंदे गुट के शिवसेना में एक शिवसेना के कई सांसद शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं। वहीं हम आपको बता दें कि अब महाराष्ट्र में जो राजनीति है वो एक तरफा अब होने लगी है। तो उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र में एक और बड़ा झटका लग गया है। वहीं कई सांसद, एक बार 14 सांसद जो है वो शिंदे ग्रुप में आ गए हैं। तो महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव ठाकरे को फिर से एक बड़ा झटका लगा है, जहां अब एकनाथ शिंदे को कुछ और सांसद यानी कि करीब लगभग 14 सांसदों का और समर्थन मिल गया है, उनके साथ आ गए हैं वो। तो जिस तरह से अभी तक महाराष्ट्र की राजनीति में घटनाक्रम चलते रहे, कभी इधर कभी उधर के, वहीं अब एकनाथ शिंदे को जो कहीं ना कहीं पूरा समर्थन मिलने लगा है। अब शिवसेना के जो कार्यकर्ता है, संगठन में जो विधायक है, सांसद हैं, उनका समर्थन मिलने लगा है अब। और इस खबर पर हमारे साथ और अधिक जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं वरिष्ठ संवाददाता निरंजन परिहार। निरंजन जी, उद्धव ठाकरे को एक बार फिर एक और बड़ा झटका लग गया है, 14 सांसद जो हैं वो एकनाथ शिंदे गुट में आ गए हैं, कैसे देख रहे हैं आप इसे? सौरभ, ये उद्धव ठाकरे के लिए सीधे सीधे एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि अब वो अपनी पार्टी को संभाल नहीं पा रहे हैं और उनकी पार्टी लगातार बिखरती जा रही है। ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ में आज जो 40 विधायकों की मीटिंग थी राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर, साथ में ही पार्टी की जो नई नीतियां बनाने की बात थी और सरकार में अभी उसके एक्सटेंशन की बात थी, नए मंत्रियों को शामिल करने की, उस पर मीटिंग थी। तो बहुत संयमित तरीके से एकनाथ शिंदे ने सारे सांसदों से भी संपर्क किया और आज उनकी बैठक में शिवसेना के 14 सांसद ऑनलाइन शामिल हुए। अब वो मीटिंग थी यहाँ पर ट्राइडेंट होटल में और उसमें 14 सांसदों के शामिल होना अपने आप में उद्धव ठाकरे के लिए निश्चित रूप से बहुत बड़ा झटका है। न केवल झटका है बल्कि उद्धव ठाकरे की पार्टी के लिए एक नए मोड़ पर आके खड़ी होगी उनकी शिवसेना, की अब वो शिवसेना है भी या नहीं है, क्योंकि पार्टी के सारे जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो तो अधिकतम एकनाथ शिंदे के साथ जा चुके हैं। एकनाथ शिंदे नहीं चाहते कि शिवसेना टूटे, वो चाहते हैं कि शिवसेना बनी रहे, शिवसेना हिंदुत्व के मुद्दे पर अटिक रहे, खड़ी रहे। इसीलिए पूरे मुंबई शहर में भगवा कलर के बहुत बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं, करीब 500 से ज्यादा बड़े होर्डिंग्स लगे हैं मुंबई में, जिनमें देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे की बड़ी बड़ी तस्वीरें, उन पर लिखा है कि हिंदुत्व की सरकार। मतलब वो एक तरह से शिवसेना से दूर होना नहीं चाहते, लेकिन शिवसेना को हिंदुत्व के रास्ते पर लाना चाहते हैं, ये सीधा संदेश है। और उस संदेश की जो धाराएं वो भी बिल्कुल स्पष्ट है कि अब उद्धव ठाकरे की कमजोरियां इसमें दिखने लगी है, क्योंकि उद्धव ठाकरे कुछ करें या क्या करें तो नहीं करें, जो करें उसमें कितना बिखराव नया पैदा होगा वो उनके किसी भी अब नियंत्रण में रहा नहीं है, क्योंकि सब लोग, ज्यादातर लोग जो सत्ता के साथ बने रहना चाहते हैं, इसीलिए 14 सांसद दिया जा रहे हैं और राष्ट्रपति चुनाव का मतदान आज जारी है। और ऐसे अवसर पर 14 शिवसेना सांसदों का शिंदे के साथ खड़ा होना, ये अपने आप में उद्धव ठाकरे के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। एक और बात मैं बताना चाहता हूँ कि आज की ये जो बैठक है उसके बाद में आने वाले कुछ दिनों में जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, लोग कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तब इनमें फूट शुरू होगी, नाराजगी शुरू होगी। कोई नहीं, राजनीति में सब चलता रहता है, लेकिन इस सब के बावजूद, उस नाराजगी के बावजूद सारे लोग एकनाथ शिंदे के साथ रहेंगे ये भी लग रहा है। और कुछ और नए शिवसेना के जो विधायक है वो भी शिंदे के साथ जुड़ेंगे, क्योंकि अब उद्धव ठाकरे के पास उनको देने के लिए कुछ बचा नहीं है। निरंजन जी, बाला साहब ने शिवसेना की शुरुआत करी और
उसके बाद अब राज ठाकरे हों चाहे उद्धव ठाकरे हों, उनके पथ पर चलने के प्रयास में रहे। अब एकनाथ शिंदे जो है वो उनके हाथ में कमान है, तो ऐसे में किस दिशा की ओर जा रही है इस समय शिवसेना? महाराष्ट्र में एक गृह राज्य मंत्री बहुत बड़े थे, उनका आज पद छोड़ना, शिवसेना छोड़ना भी बहुत चर्चा में रहा पूरे दिन। रामदास कदम जो मंत्री थे, 3 बार शिवसेना की सरकारों में मंत्री रहे, वो कुछ दिन पहले तक उद्धव ठाकरे बहुत करीब ही रहे हैं उनके। आपने जो सवाल किया उद्धव ठाकरे बाला साहब की शिवसेना कितनी बची है उससे, तो आज उनकी शिवसेना छोड़ने से एक समर्थन में समझ लीजिए कि उन्होंने एक चिट्ठी लिखी उद्धव ठाकरे को, और शिवसेना में उनको नेता बनाया गया था उद्धव ठाकरे ने। तो चिट्ठी में उन्होंने पहली लाइन में ये लिखा है कि उद्धव जी आपने मुझको शिवसेना में नेता बनाया, लेकिन बाला साहेब ठाकरे के मृत्यु के बाद में शिवसेना में इस नेता पद में बने रहना, शिवसेना अपने पथ पर नहीं है, इसलिए ऐसी पार्टी में नेता बने रहना क्या कोई औचित्य नहीं है। इसी से समझा जा सकता है कि उद्धव ठाकरे को उनके निजी लोग भी कितने बड़े चैलेंज के रूप में खड़े सामने हो रहे हैं। और अब स्पष्ट तौर पे बाल ठाकरे की वो शिवसेना नहीं है जो कभी हुआ करती थी। धन्यवाद निरंजन जी इस तमाम जानकारी के लिए, बहुत बहुत